हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है सिविल ब्लॉगर के नए वीडियो में। आज जो हम लोग आए हैं दोस्तों फ्रेंड्स, आप लोग को ये दिखाने के लिए आए हैं जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। वो बुलेट ट्रेन का काम जो है पूरा फ्रेंड्स साइट पे नहीं होता है, पूरा काम 50% साइट पे होता है, 50% आपको यार्ड में करना होता है। तो उस यार्ड में आज मैं आया हूँ और देखते हैं इस यार्ड में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या क्या चीज़ का वर्क हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ बुलेट ट्रेन के प्लांट के गेट पे। अभी एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में कुछ देखेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। फिलहाल जो फ्रेंड बुलेट ट्रेन चलने वाला है वो वापिस लेके भरूच तक चलेगा, क्योंकि मुंबई का जो काम है वो थोड़ा डिले हो गया है ज़मीन अधिग्रहण में। और फ्रेंड्स नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट डिटेल लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वायाडक्ट स्टेशन डिपोट टनल बिटवीन वापी टू वडोदरा। और फ्रेंड्स इसका जो क्लाइंट है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो जापान की कंपनी है। सबको पता है फ्रेंड कि जापान की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक की जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जी का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है लार्सन एंड टूब्रो। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको अंदर का वीडियो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अंदर बढ़ते ही देखिए कुछ ऐसा लुकिंग है अंदर का। अंदर काफ़ी बड़ा प्रोग्रेस चल रहा है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो अगर मैं दिखाऊंगा आप लोग को काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स मेरे आप सामने देख रहे हैं वो कॉन्क्रीट प्लांट है, जहाँ से कॉन्क्रीट बन के साइट पर जाता है। जहाँ भी ज़रूरत होता है कंक्रीटिंग का वहाँ जाता है। और ये जो फ्रेंड्स ये पांच पाइप देख रहे हैं बड़ा बड़ा सा, ये पाइप नहीं बल्कि सीमेंट टैंक है फ्रेंड्स। इसमें सीमेंट को स्टोर करके रखा जाता है ताकि घटने पे यूज में लिया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स अंदर आने के बाद कुछ ऐसा लुकिंग दिखता है। गेट का सीन थोड़ा आप लोग को दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो हमारे सामने है फ्रेंड्स वो RMS प्लांट है, स्टील प्लांट है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है, कटिंग बेंडिंग एंड फिक्सिंग। अभी मैं आपको उसके अंदर जाके दिखाऊंगा अच्छे से किस तरह से स्टील बेंड होता है, किस तरह से कटिंग होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा मॉडल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हाथ से कम मशीन से ज़्यादा काम होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स साइड से कुछ इस तरह का दिख रहा है। और ऊपर में जो पीली वाली 5T लिखा हुआ है वो 5 टन का क्रेन है फ्रेंड्स, जो भी ऊपर ऊपर चलता है। ये देखिए लोड उठाएगा अभी स्टील का। ये देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी लोड उठा चुका है। ये जो मशीन दिख रहा है फ्रेंड्स सामने में, ये फोर्जिंग मशीन है जो स्टील को थ्रेड बनाने के लिए काम आता है। और फ्रेंड्स जब भी स्टील में थ्रेड बनाना होता है तो उसे मशीन द्वारा थ्रेड दिया जाता है, जिस तरह से नट बोल्ट में थ्रेड रहता है। ये फ्रेंड्स थ्रेड मशीन, ये देखिए फ्रेंड्स ये उसका कपलर है, इसे लगा के चेक करते हैं सही थ्रेड आया कि नहीं। थ्रेड करने के लिए फ्रेंड्स पहले फोर्जिंग करना ज़रूरी होता है, फोर्जिंग करने के बाद थ्रेडिंग होता है इस मशीन में। पहले उस मशीन में डाला जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद इस मशीन में थ्रेडिंग कंप्लीट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स डबल मशीन से काम होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है स्टैंड करने के कारण। ये सब मशीन लगा हुआ है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मशीन है। ये देखिए स्टील कितना रखा हुआ है। चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं आगे और आप
आपको अभी फिशिंग जो होता है जाल की, उसका वीडियो दिखाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने देखा वो स्टील प्लांट था, स्टील यार्ड बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, मशीन के द्वारा ज़्यादा काम होता है, हाथों से कम काम होता है फ्रेंड्स। और चलते हैं अब जो जाली बन रहा है फ्रेंड्स वहाँ पे चलते हैं, और जाली का थोड़ा आप लोग को दिखाते हैं क्या सिस्टम है। तो फ्रेंड्स जो जाली बनाने का जो सिस्टम है फ्रेंड्स, उसके लिए पहले फ्रेम बनाया जाता है, जो कि आप स्टील का ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये सारे स्टील का फ्रेम है। ये देखिए फ्रेम, फ्रेम के ऊपर ये जाल बनाया जाता है फ्रेंड। और ये जाल कोई छोटा जाल नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है, और ये पूरा एक स्पेन का जाल है फ्रेंड्स, और एक ही बार में ये कास्टिंग हो जाता है एक स्पेन का, यानी एक पियर से दूसरे पियर एक ही बार कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स इसको रखने के बाद। अभी देखिए इस पर फ्रेम रखा हुआ है, और इसके अंदर जो फ्रेंड्स ये देखिए जो सिक्कर लगा हुआ है, वो इस जाल को अभी उठा के कास्टिंग यार्ड के पास ले जाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको जो उठाने के लिए जो क्रेन है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही आधुनिक क्रेन है, शायद आप लोग पहले कभी देखा होगा इस क्रेन को। ये गेंट्री है, और ये फ्रेंड्स चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर किधर भी इसे ले जाओ ये घूम के ले जाएगा, ये अपने हाइड्रोलिक जैक की मदद से। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इतना सा, मैं दूर से आपको पूरा गेंट्री का दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी चलेंगे हम वहाँ पे जहाँ ये जाली कास्टिंग होगा, जहाँ पे शटर लगाया जाता है, जाली रख के कास्टिंग किया जाता है, वहाँ चलेंगे फ्रेंड्स, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स नज़दीक से देखने में तो ये क्रेन छोटा लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी हैवी क्रेन है और मॉडर्न क्रेन है फ्रेंड्स। ये देखिए इसे गेंट्री बोलते हैं, इसका हाइड्रोलिक जो फ्रेंड वो बहुत ही कमाल का है, आप किधर भी घुमा लो किधर भी ले जा सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स रोड अच्छा बना हुआ है, RCC रोड बना हुआ है इसको मूवमेंट करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बिजी साइट है, हर कोई आपको काम करता हुआ नज़र आ जाएगा, काफ़ी बिजी साइट है, और बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट भी करना है फ्रेंड्स, तो इसलिए काफ़ी फास्टेस्ट काम हो रहा है यहाँ पे। वो देखिए मेरे सामने एक क्रेन खड़ा है, काफ़ी हैवी क्रेन है। तो फ्रेंड्स अभी कुछ देर पहले मैंने जो आपको जिस जाल के बारे में बताया फ्रेंड्स, वो जाल इस शटर के अंदर आके रखाएगा, फिर उसके बाद शटर का काम कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद कास्टिंग किया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स शटर में ऑयल वेल लगा रहे हैं, यहाँ पे जाली रखाएगा और यहीं पे कास्टिंग होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये कास्टिंग होने वाला है, इसके बीच में जो शटर रहता है फ्रेंड्स उसको इनर ट्रॉली बोलते हैं, वो इनर ट्रॉली अंदर डाल के उसके बाद शटर फिक्स करके कास्टिंग किया जाएगा। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं शटर पूरा फिक्स किया हुआ है, सपोर्टिंग भी लगा हुआ है 10 बक्सल। ये देखिए फ्रेंड्स ये ऑलरेडी कास्टिंग हो चुका है, कंप्लीट कास्टिंग हो चुका है, बस इसे अब दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अभी यहाँ से इसको हटा के उधर के साइड में शिफ्ट करेगा जहाँ लॉन्चिंग हो रहा है, उधर देखिए फ्रेंड लॉन्चिंग हो रहा है, मैं उधर भी अभी जाऊँगा आप लोग को दिखाने के लिए। बने रहिए हमारे वीडियो में, और जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
और जो फ्रेंड इसका मैं बात कर रहा था, जो इसमें हॉल दिख रहा है फ्रेंड, ये इस हॉल में केबल डाला जाता है। देखिए ऑलरेडी केबल डाला हुआ है और इस केबल पे ही जो है लोड टिका हुआ रहता है, एक पियर से दूसरे पियर पे केबल के थ्रू लोड पूरे कैरी करके रखता है। रियल में फ्रेंड्स इस तरह का क्रेन किस किस ने देखा है कमेंट में यस लिखें। काफ़ी हैवी क्रेन है फ्रेंड, 150 टन से प्लस होगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं नज़दीक जाके दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोलिक क्रेन है फ्रेंड। जो ये क्रेन का जो मेन खास बात है फ्रेंड्स, ये कभी भी लेफ्ट राइट घूम सकता है, कभी भी किधर भी घूम सकता है। जैसे अभी इस रूट में है तो अभी ये इस रूट में भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलिक जैक है। उसके जैक की मदद से फ्रेंड्स ये अपना जो है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक में हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। इस जैक को नीचे रख के ये अपने पहिए को घुमा सकते हैं, इधर की ओर मूव कर सकते हैं, इसलिए काफी आधुनिक क्रेन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी इसमें ग्रोटिंग किया जाएगा। उधर से देखिए फ्रेंड्स, लॉन्चिंग कंप्लीट हो चुका है और लॉन्चिंग करते करते आगे जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने लोगों ने फ्रेंड्स इस तरह का क्रेन देखा है वो कमेंट में यस लिखें, और जो नहीं देखा है वो नो लिखें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ग्राउटिंग हो चुका है कंप्लीट, अभी इसमें कास्टिंग होगा। और एक मेरे बाजू में रखा हुआ है फ्रेंड्स, उसका ऑलरेडी कास्टिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिनिशिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके बाद जो है लॉन्चिंग के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों लॉन्चिंग पे चढ़ाने के लिए इतना आसान नहीं है, काफ़ी हैवी क्रेन लगे हुए हैं, इन्हीं की मदद से लॉन्चिंग हो पाता है फ्रेंड्स। और ये जो क्रेन है फ्रेंड्स, ये ट्रैक के ऊपर चलता है फ्रेंड्स, और इसका ट्रैक देखिए कितना मोटा है फ्रेंड्स, इतना मोटा तो रेलवे का भी ट्रैक नहीं होता, इससे भी ज़्यादा हैवी मोटा ट्रैक है, काफ़ी हैवी ट्रैक है फ्रेंड्स। और हो भी क्यों ना, इतना लोड उठाने के लिए हैवी होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इमेजिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगा, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है, ऊपर में बस रेलिंग का काम बचा हुआ है और ट्रैकिंग का काम बचा हुआ है, ट्रैकिंग और रेलिंग और बिजली का, बिजली तो इसमें लगता नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ ट्रैकिंग का काम बचा हुआ और रेलिंग का काम बचा हुआ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।